गोरखपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्वी भाग में नेपाल की सीमा के पास स्थित एक ऐतिहासिक और अति प्राचीन नगर है, जो राप्ती और रोहिणी नामक दो नदियों के तट पर बसा हुआ है, जिसे पूरे भारत में अपनी महान सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। त्रेंड शहर का नामकरण ऋषि गोरखनाथ के नाम पर किया गया है। गोरखपुर शहर एक प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है, जो अतीत से बौद्ध, हिंदू, मुस्लिम, जैन और सिख संतों की साधना स्थली रहा है। गोरखपुर शहर की संस्कृति अपने आप में अद्भुत है। यहाँ परंपरा और संस्कृति का संगम प्रत्येक दिन इस शहर में देखा जा सकता है। गोरखपुर संस्कृति का सबसे बड़ा भाग यहाँ के लोकगीतों और लोक नृत्यों की परंपरा है। यह परंपरा बहुत ही कलात्मक है। दोस्तों, यह वह क्षेत्र है जिसमें संत कबीर, मुंशी प्रेमचंद्र, फिराक गोरखपुरी जैसे विश्व प्रसिद्ध संत, लेखक और शायर हुए हैं। ट्रेन यहाँ स्थित रामगढ़ ताल एक विशाल और प्राकृतिक झील है। यह गोरखपुर शहर की खूबसूरत जगहों में से एक है, जहाँ कई पर्यटक और स्थानीय लोग छुट्टियों में झील में तैरने और समय बिताने के लिए आते हैं। ट्रेन गोरखपुर शहर का रेलवे स्टेशन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार विश्व का सर्वाधिक लंबा प्लेटफॉर्म यहीं पर स्थित है। और यह शहर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर में मुख्य रूप से हिंदी भाषा और भोजपुरी बोली जाती है। इन दोनों भाषाओं का भारत में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। ट्रेन यहाँ स्थित गोरखनाथ मंदिर धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पर्यटन का प्रमुख केंद्र है। यूपी, बिहार, उत्तराखंड सहित कई राज्यों के लोग गोरखनाथ मंदिर आते हैं। हर साल मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं। यह मंदिर शहर में सबसे सुंदर मंदिरों में से एक है। इसकी भव्यता दूर से दिखती है। ट्रेन यह शहर लगभग 7483 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 44 लाख के लगभग है। और इस शहर की साक्षरता दर 73.25% है। महिला पुरुष अनुपात 944 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है। दोस्तों, यहां स्थित गीता प्रेस या गीता मुद्रणालय विश्व की सर्वाधिक हिंदू धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करने वाली संस्था है। इसमें लगभग 200 कर्मचारी काम करते हैं। देश दुनिया में हिंदी, संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित धार्मिक पुस्तकों, ग्रंथों और पत्र पत्रिकाओं की बिक्री कर रही है। दोस्तों, गीता प्रेस को भारत में घर घर में रामचरितमानस और भगवद गीता को पहुंचाने का श्रेय जाता है। इन सभी का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। कल्याण व कल्पतरु जैसी मासिक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जा रही हैं। पर्यटक हिंदू धर्म की सभी धार्मिक पुस्तकें, ग्रंथ आदि देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। दोस्तों, इस शहर में उच्च शिक्षा हेतु अनेक महाविद्यालय स्थित है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा हेतु सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कई अच्छी स्कूल है। इस शहर में तकनीकी शिक्षा के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक संस्थान, मेडिकल डेंटल कॉलेज, डिग्री कॉलेज स्थित है। दोस्तों, यह शहर जिले का प्रशासनिक मुख्यालय और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय भी है। फ्रेंड गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। यहाँ का उत्पादन उद्योग पूर्वांचल के लोगों को बेहतर शिक्षा, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं जो गांवों की तुलना में उपलब्ध कराता है। यह शहर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है। ट्रेन गोरखपुर रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर की दूरी पर कुसमी घना जंगल स्थित है। इस घने जंगल के बीच प्रसिद्ध बुढ़िया माई मंदिर है। इस मंदिर की ख्याति दूर दराज तक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अक्सर मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं। प्राकृतिक धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण स्थल पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। जंगल के भीतर ही आकर्षण विनोद वन पार्क और एक छोटा चिड़ियाघर भी है। वन विभाग पर्यटक सुविधाओं की देखभाल करता है। दोस्तों, गोरखपुर शहर अपने दर्शनीय और खूबसूरत स्थलों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित गीता वाटिका गोरखपुर में सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर में राधा कृष्णा की मनमोहक मूर्तियां हैं, जो पर्यटकों को बेहद आकर्षित करती है। पर्यटक यहां अक्सर पूजा करने आते हैं। फ्रेंड, अगर आपको इतिहास में रुचि है तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय जरूर जाएं। राजकीय बौद्ध संग्रहालय पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। इस संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1987 में विविध तत्वों के संरक्षण के लिए की गई थी। संग्रहालय इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें पाषाण काल से लेकर मध्य काल तक की पुरातात्विक वस्तुएं हैं। इनमें पत्थर की वस्तुओं, कांस्य की मूर्तियां, धातु की वस्तुएं, टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, पांडुलिपियां, हाथी दांत, लघु चित्र, पंचमार्क सिक्के,
और कई अन्य चीजें देख सकते हैं। फ्रेंड गोरखपुर जिले की सीमाएं उत्तर में महराजगंज जिला, पूरब में कुशीनगर जिला और देवरिया जिला, दक्षिण में अंबेडकर नगर, आजमगढ़ जिला और मऊ जिला तथा पश्चिम में संत कबीर नगर जिला से लगती है। फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।